खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र से है, जहां दहेज को लेकर पति द्वारा मारपीट की घटना सामने आई है। वहीं पीड़ित महिला ने अपने बच्चों के साथ रीवा एसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला द्वारा मीडिया से बताया गया कि उसके पति द्वारा उसे आए दिन दहेज की मांग की जा रही है और पीड़ित सहित उसके बच्चों के साथ मारपीट की जा रही है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि लाठी डंडों से बार बार उसके साथ मारपीट की जाती है, जिसकी शिकायत गुड़ थाने में की गई है, लेकिन थाने में कोई कार्यवाही न होने के कारण महिला ने रीवा के एसपी ऑफिस में अपने बच्चों के साथ शिकायत दर्ज करवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। मेरा नाम साहिन अंसारी है। कहाँ से हैं? हम यहीं रीवा से हैं। शादी मेरी गुड़ में हुई है। कब हुई है? 2013 में। अब क्या समस्या? मेरी समस्या ये है कि वो हमको शादी के 6 महीने से बहुत पीटता है और टांगी से भी मारता है, क्या नाम है, बेल्ट से बहुत पीटता है। कौन है जो मारपीट कर रहे हैं? मेरे शौहर है, हस्बैंड। कहाँ रहने वाले हैं? गुड़ के। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? मैं थाना में की थी। गुड़ थाने में? जी हाँ। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है वहाँ, और वहाँ मेडिकल के लिए भी बोलो तो बोलते हैं मेडिकल यहाँ नहीं होगा, बंद हो गया है। कब से प्रताड़ित कर रहे हैं आपके पति? 2014 से। वापिस कार वहाँ नहीं हुई है? नहीं हुई है, वहाँ कोई सुनता ही नहीं है। एसपी ने भी आपने शिकायत की है यहाँ पर? अभी नहीं, मैं आई तो यही हूँ। लेकिन चाहती क्या है? चाहती हूँ मेरी सुने वो भी, अब बहुत मारते हैं, मेरे बच्चों को भी मारा है उनने। किस बात को लेकर विवाद हो रहा है? बस ऐसी छोटी छोटी बात को लेकर के बहुत मारते हैं। क्या नाम है उनका? उनका मोहम्मद यूसुफ अंसारी। वो भी गुड़ी में रहते हैं? क्या चाहते हैं वो? क्या चाहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन वो मेरे को जान से मारने की भी धमकी दी है। उन्होंने टांगी तक मारी है, यहाँ तक कि मिट्टी तेल डाल के जलाने की भी कोशिश की है उनने। अब बोलते हैं कि क्या नाम, पैसा दो मेरे को, 50,000 रुपये पैसा चाहिए, अपने बाप से पैसा लेके आओ। दहेज की मांग कर रहे हैं? हाँ, दहेज की भी मांग करते हैं।